फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राठौर गर्ल व्लॉग। सो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो है दिवाली स्पेशल वेस्टर्न इयररिंग कलेक्शन। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ पांच टाइप के ब्यूटीफुल इयररिंग कलेक्शन जो कि आप मीशो से परचेज कर सकते हो। मैंने वहीं से मंगवाए बिकॉज दिवाली सेल वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है, तो मैंने तो उसका फायदा उठा लिया। तो आप भी जल्दी से जाके फायदा उठाइए। तो मैं आपको आज रिव्यू देने वाली हूँ जो कि मैंने मीशो से परचेज किए हैं फाइव टाइप के वेस्टर्न इयररिंग कलेक्शन और विच इज दिवाली स्पेशल। आप उसको दिवाली पे भी अपने वेस्टर्न या इंडियन दोनों आउटफिट के साथ कैरी करो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए राठौर गर्ल व्लॉग्स, एंड ताकि मेरा न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर टाइम से आता रहे और आप ऐसे ही मेरी प्यारी प्यारी वीडियोस का एक्सपीरियंस लेते रहे एंड यूजफुल टू। तो चलिए, इयररिंग कलेक्शन जो भी अभी आपको दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने मीशो से परचेज किए हैं, एंड दीज आर सो ब्यूटीफुल एंड आई फाउंड दिस इन वेरी रीजनेबल रेट, सो दैट आई थॉट दैट आई शुड शेयर विद यू experience of these earrings so that you can also have the same beautiful experience with these beautiful earrings जो कि आप festival आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, उस पर easily wear कर सकते हो। and चलिए guys, मैं आपको दिखाने वाली हूँ पहला earring, and ये बहुत ही प्यारे हैं golden में। see guys, ये आप देख सकते हो, this is a very beautiful piece of earrings। इसके नीचे आप ये देख सकते हो स्टड लगे हुए हैं स्टार में, एंड ये बहुत ही प्यारा कलेक्शन है। जब आप इसको वेयर करोगे अपने किसी भी आउटफिट के साथ तो ये सारे आउटफिट के साथ जाने वाले हैं और ये बहुत ही प्यारे लगेंगे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो इस टाइम मुझ पे लग रहे हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वेस्टर्न इयररिंग्स। तो ये आप देख सकते हो इसमें जो ये स्टार की लटकन लगी हुई है ये इसको और भी ब्यूटीफुल बना रही है। सो मैं इसका आपको प्राइस बता देती हूँ, ये मुझे पड़े हैं 60 रुपीज में, एंड इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और जो गोल्डन कलर है ये भी बहुत ही प्यारा है। मैं आपको क्लोजर लुक दे देती हूँ, ये देखिए, लग रहा है ना गाइस प्यारा। ये इसलिए मुझे ये मैंने कलेक्शन काफी ढूंढ के निकाला था। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपको भी कलेक्शन पसंद आ रहा है तो प्लीज आप डीएम कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। Let's move to the another earring. Now I'm going to show you very beautiful piece of earrings जो कि star shape में है and which is in golden color. Here is it is the closer look. ये देखिए guys, इसमें ये stones लगे हुए हैं and बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये copper में, copper color के stones. तो मैं आपको इनको wear भी करके दिखा देती हूँ, मेरा बड़ा मन है इनको पहनने का, तो let me show you कि ये पहनने के बाद कैसे लगते हैं। और ये इजी जो है कैरी भी हो जाते हैं और ज्यादा हैवी वेट भी नहीं है इनका, और ये आपके लाइक इनको आप क्लब वगैरह में भी पहन सकते हो, किसी भी पार्टी ओकेशन में पहन सकते हो, एंड फेस्टिवल में तो डेफिनेटली आप इनको वेयर कर सकते हो। सो लुक एट दिस, तो आप देख सकते हो अभी मैंने जो है टॉप पहना हुआ है, तो ये इसके साथ भी सूट कर रहे हैं, आप इसको जीन्स टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हैं, तो ये आपके सभी आउटफिट के साथ इजीली जो है जाएंगे। तो ये मुझ पे कैसे लग रहे हैं गाइस, मुझे तो लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ये सूट कर रहे हैं, एंड आपका फेस थोड़ा सा और एलिगेंट लगता है इनको पहनने के बाद, तो मुझे तो ये बहुत पसंद आए हैं। आपको कैसे लगे गाइस ये, और इनका वेट भी ज्यादा नहीं है गाइस, बिल्कुल लाइट वेट है, ना ज्यादा हैवी ना ज्यादा, मतलब बिल्कुल लाइट भी नहीं है, ठीक ठीक है क्वालिटी वाइज। तो ये आप अपने ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। ये अनदर ब्यूटीफुल पेयर और आज के लिए काफी ट्रेंडिंग में भी है, मैंने काफी गर्ल्स को कैरी करते हुए देखा हुआ है। सो हियर इज दी चेरी वाले इयररिंग्स, आपको क्लोजर लुक दिखाती हूँ, ये देखिए कैसे लगे गाइस। सो आज के लिए बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आप इनको जो है परचेज करके वेयर कर सकते हो। ये मैं आपको एक वेयर करके दिखाती हूँ और ये बहुत ही क्यूट है, पहनने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, लाइक आपको ये इस टाइप में मिलेगा एंड ये एक स्टड मिलेगा, इसको आपको इसके अंदर ऐसे करके इंसर्ट करना है एंड देन आपको इसको उस तरीके से वेयर करके ये वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से लगा के सी
तो ये मेरे व्हाइट आउटफिट के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप। दूसरा भी वेयर कर लेती हूँ, और आई गेस ये हर लड़की को पसंद आने वाला है, इतना प्रिटी है। तो वी विल डू द सेम थिंग, लाइक इसको इसके अंदर ऐसे करके हम इंसर्ट करेंगे, देन वी विल वेयर लाइक दिस। और ये बहुत ही प्यारा पेयर है गाइस, और आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, यू मस्ट बाय इट। ये देखिए गाइस, कैसा लगा गाइस? आप सोचिए मत गाइस, जाइए जल्दी से जाके इनको परचेज कर लीजिए, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। और मुझे ये आफ्टर डिस्काउंट 50 रुपीज के पड़े थे। तो कैसा लगा आपको ये चेरी वाला इयररिंग कलेक्शन? एंड ये बहुत ही क्यूट है गाइस, गाइस ये मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगे थे तो मैं इनको पहन ही लेती हूँ। ये भी बहुत ही प्यारा है यार गाइस, लाइक जैसे अभी स्टार शेप में थे तो ये थोड़े से इस शेप में है, लाइक ये वाले शेप भी आजकल ट्रेंडिंग में है। सी गाइस, और इसमें भी स्टोन्स लगे हुए हैं कॉपर में, गोल्डन के अंदर कॉपर स्टोन्स। और ये भी आपके वेस्टर्न आउटफिट के साथ जाने वाले हैं और बहुत ही प्रिटी लगने वाले हैं। एज लुकिंग एट दिस, तो कैसा लगा आपको ये वाला पेयर? दिस इज ऑल्सो यू कैन बाय फ्रॉम मीशो, एंड ये पेयर भी मुझे 60 रुपीज में पड़ा था गाइस। सो फ्रेंड्स, इस टाइप की जो ज्वेलरीज होती हैं, इनको थोड़ा सा केयर भी इनका ज्यादा रखना पड़ता है, इनका ध्यान भी ज्यादा रखना पड़ता है। तो इनकी केयर के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर बॉक्स है जिसमें आप अपने इयररिंग कलेक्ट करते हैं तो उसमें आप कॉटन जरूर जो है अच्छे से रखें, एंड कॉटन के ऊपर अपने इन इयररिंग्स को रखें। तो क्या होता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो कलर है वो जल्दी फेड हो जाता है, तो उससे क्या होगा, कलर फेड नहीं होगा। पहनने के बाद आप उसको तुरंत जो है कॉटन में अच्छे से रखें, फिर इनकी जो लाइफ होती है थोड़ी लॉन्ग चलती है। और दूसरा रीजन यही होता है कि पानी वगैरह या फिर अगर स्वेटिंग वगैरह होती है कानों में तो उससे भी कलर फेड हो जाता है, बट ट्राई टू अवॉइड। और इनका रख रखाव अगर आप अच्छे से करोगे तो इनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी जाती है। तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, और ये आप देख सकते हो गाइज, इनको आप पार्टीज वगैरह में इवन कोई घर में पूजा है उसमें भी आप इंडियन आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो, एंड दिवाली आ रही है उसमें भी आप इसको किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो, ये दोनों ड्रेसेस के साथ चलता है। तो कैसा लगा गाइज आपको ये वाला कलेक्शन? ओके फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी, लुक एट दी गाइस, इसमें झुमकियां भी लगी हुई हैं। तो बेसिकली दिस विल गो विद योर प्योरली इंडियन आउटफिट। तो ये झुमकियां निकल भी सकती हैं, तो आप इसको नॉर्मल भी पहन सकते हो। तो ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था, मैंने परचेज किया, एंड ये भी मुझे 60 रुपीज में पड़ा था, और ये बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आपको बड़ी बड़े इयरिंग्स पहनने का शौक नहीं है, छोटे इयरिंग्स पहनने का शौक है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। ये आपके इंडियन साड़ी, इंडियन सूट और इवन लहंगे के साथ भी जाएगा। देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है, दिस इज द क्लोजर लुक, एंड ये मुझे 60 रुपीज में पड़ा था। तो ये जितने भी इयरिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ, आई परचेज फ्रॉम मीशो, बिकॉज दिवाली धमाका, दिवाली सेल इज ग्रोइंग ऑन, सो सेल का प्लीज आप भी फायदा उठाइए, और ये ब्यूटीफुल कलेक्शन जो है अपने पास कलेक्ट कीजिए, जो आपको आपके हर ओकेशन में काम आने वाला है। सो हो फ्रेंड्स, आपको मेरे सारे इयरिंग कलेक्शन का जो रिव्यू है वो पसंद आया होगा। अगर आपको सीरियसली ये वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा, सो दैट आई गेट टू नो दैट यू आर रियली लाइकिंग माय वीडियो। सो अगर इस वीडियो के थ्रू आपको सीरियसली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो दैट इज रियली अ बिग थिंग फॉर मी, सो प्रिटी। तो आप भी ऐसे प्रिटी इयरिंग्स परचेज कर सकते हैं फ्रॉम मीशो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट हो गर्ल ब्लॉग्स, एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन गाइस, सो दैट मेरी जो नई नई वीडियोस आ रही हैं दिवाली स्पेशल, सो दैट आपको भी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे थ्रू माय वीडियो। तो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।